हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपके जो एमबी पर्पज है, कॉलेज के अंदर जो आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु विभाग के अंदर ऊपर से जो आपका मेडिकल एंट्रेंस है, नीट पेजे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं दोस्तों, आपको सारे वैक्सीन टाइम के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से याद होंगे, और जो आपका चेंज हुए हैं अभी लेटेस्ट वो भी इस वीडियो के में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं जो बर्थ पे आपको वैक्सीन देते हैं। बर्थ पे सबसे पहले दोस्तों वैक्सीन देते हैं तीन, ठीक है, हमें याद रखना है। तीन में नंबर वन आता है दोस्तों बीसीजी, सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी, नंबर थर्ड आता है ओपीवी जीरो डोज। इसमें से दोस्तों बात हमें यह होना पता होनी चाहिए, जो बीसीजी होता है वो आपको एक साल तक देना होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बीसीजी को हम कब तक दे सकते हैं, एक साल तक, वन ईयर तक, और हेपेटाइटिस बी को विद इन 24 आवर देना होता है इसको, और ओपीवी को 15 दिन, ठीक है। तो तीन पॉइंट, तीन क्वेश्चन हैं डायरेक्ट, हमें पता होना चाहिए। सेकंड जो उसके बाद हम बर्थ टाइम देते हैं वो आता है आपका 6, 10 एंड 14 वीक। इस पर हम वैक्सीन देते हैं। नंबर वन जो वैक्सीन आता है वो आता है दोस्तों पेंटावेलेंट, पेंटा 1, 2, 3। एक आप 6 वीक पे देंगे, एक 10 वीक पे देंगे, 6, 14 वीक पे देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों पांच वैक्सीन कौन से आते हैं, डीपीटी, डिप्थेरिया, पेटोसिस एंड टेटनेस। और दो जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी और आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है दोस्तों वो किस लिए दिया जाता है आपसे वायु में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि नियोनेटल जो निमोनिया होता है ना और मेनिनजाइटिस, इसको कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसके इस कैटेगरी के अंदर जो नेक्स्ट वैक्सीन आता है दोस्तों वो है आपका ओपीवी 1, 2, 3। 1, 2, 3 मतलब दोस्तों एक 6 वीक पे देंगे, एक 10 वीक पे देंगे, एक 14 वीक पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वैक्सीन पे चलते हैं हम, ये जो बाकी वैक्सीन है दोस्तों वो सभी स्टेटों में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर दिए जाते हैं, इन सम स्टेट्स, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जहाँ पर इनमें इनका एंडेमिक ज़्यादा, इनका प्रिवेलेंस ज़्यादा है इन डिजीज़ का। सबसे पहले आता है दोस्तों तीन वैक्सीन होते हैं, कैसे याद रखते हैं, REP, रेस्ट इन पीस, ठीक है, रेस्ट इन पीस से हम निमोनिक बना सकते हैं, रेस्ट इन पीस। तो रोटावेक R से, I से IPV और P से PCV, ठीक है। रोटावेक दोस्तों हम देते हैं, तीन बार देंगे, ठीक है। ये एक आपका ओरल वैक्सीन होता है, ओरली देते हैं हम, लाइव होता है, 5 ड्रॉप इसमें देते हैं हम। पोलियो के अंदर हम 2 ड्रॉप देते हैं दोस्तों, और ये कब देंगे, 6, 10 एंड 14 वीक, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो है आई से आईपीवी। आईपीवी कब देते हैं दोस्तों हम, 6 एंड 14 वीक। हमें पता होना चाहिए कि ये 10 वीक पे नहीं देते हैं, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये 0.1 ml देते हैं इंट्राडर्मल और राइट डेल्टोइड के अंदर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आईपीवी। तो नेक्स्ट जो दोस्तों वैक्सीन है वो आपका पीसीवी। पीसीवी का क्या फॉर्म होता है, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये इसमें जो स्ट्रेन यूज किया जाता है कौन सा दिया जाता है, PCV 13, ठीक है। और इसमें अमाउंट पता होना चाहिए, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं और एंटीरोलेटरल थाई पे देते हैं। और इसका टाइमिंग क्या है, सेम 16 एंड 14 IPV। ये दोनों 10 वीक पे दोस्तों नहीं देते हैं, हमें पता होना चाहिए, ये तीनों देते हैं। ये हो गया हमारा पहले बर्थ पे हुआ, फिर आपका हुआ आपका 6, 10, 14 वीक। नेक्स्ट आता दोस्तों 9 कम्प्लीटेड वीक। 9 कम्प्लीटेड वीक में हमें पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन देते हैं वो होता है मीजल्स कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में देते हैं हम एमआर होता है मीजल्स एंड रूबेला के लिए। जहाँ पर रूबेला का प्रिवेलेंस ज़्यादा है वहाँ पर एमआर देंगे, वहाँ जहाँ पर रूबेला नहीं है वहाँ पर हम मीजल्स देते हैं, मीजल्स का फर्स्ट डोज, ठीक है। सेकेंड आता है दोस्तों विटामिन ए।
विटामिन ए देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। जो विटामिन ए का दोस्तों जो प्रोफाइलेक्टिक डोज होता है ना वो हमें पता होना चाहिए। 9 मंथ पे हम 1 लाख देते हैं, उसके बाद हम 2 लाख देते हैं हर 6 महीने बाद, ठीक है। जो जेई जहाँ पर एंडेमिक है वहाँ पर हम जेई फर्स्ट डोज देंगे, और जो पीसीवी है वो भी हम कुछ सिलेक्टेड स्टेट में देंगे, पर जो एमआर और विटामिन ए हम ज़्यादा मेनली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पार्ट है वैक्सीन के अंदर वो आता है दोस्तों 16 एंड 14 वीक्स। 16 एंड 14 वीक्स में हम पहले तो फोर्थ टाइम है ये, एक आपका बर्थ पे था, एक आपका 16, 10 एंड 14 वीक था, और एक और अब लास्ट उसके बाद आता है, उसके बाद 9 मंथ था, उसके बाद आता है 16 टू 24 वीक, 1.5 साल से 2 साल के बीच में। उसमें 9 मंथ पे हमने फर्स्ट डोज दिया था एमआर का, इसमें हम सेकंड डोज देंगे। वहाँ पर हमने विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया था, यहाँ पर हम 2 देंगे। और पिछली बार कुछ स्टेट्स के अंदर हम जेई का वैक्सीन दिया था, यहाँ पर भी हम दे सकते हैं उन स्टेट्स के अंदर। इसमें हमें याद रखना है दोस्तों ओपीवी बूस्टर हम देते हैं, एक ओपीवी बूस्टर देते हैं और एक डीपीटी बूस्टर देते हैं। डीपीटी बूस्टर कहाँ कब देते हैं ये क्वेश्चन आता है, 1.5 to 2 ईयर, 16 to 14 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइम है, वो है आपका 5 ईयर। 5 ईयर में दोस्तों हम 2 वैक्सीन देते हैं, एक आपका डीपीटी बूस्टर फर्स्ट टाइम दिया था, अब सेकेंड टाइम देते हैं 5 साल पर। उस विटामिन ए तो हम देना ही है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 और 16 ईयर, 10 और 16 ईयर पे देते हैं हम टेटनस 1, टेटनस 2। अभी रिप्लेस कर दिया दोस्तों टी डी से। टी डी क्या होता है, जो आपका टेटनस डी से एडल्ट कंपोनेंट ऑफ डिप्थेरिया, ठीक है। पहले आपका टेटनस टॉक्साइड देते थे, अब टी डी रिप्लेस हो गया, ये आपका नया अपडेट है, ये जो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपके पॉइंट हैं वो मैंने आपके सारे लेटेस्ट और बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक पेज में लिख कर बताने की कोशिश की है। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।